8, chapter number 2, linear equation in one variable, exercise number 2.4. First, Amina thinks of a number and subtract 5 by 2 from it. पहले हम क्या करते हैं, हर प्रॉब्लम को पढ़ते हैं. फर्स्ट वी विल रीड द प्रॉब्लम. व्हाट इज गिवन? अमीना ने एक नंबर के बारे में सोचा और उसमें से 5 by 2 क्या किया, माइनस किया. शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8. अब जो 5 by 2 माइनस किया उसको क्या किया, जो रिजल्ट आया उसको 8 से मल्टीप्लाई किया. द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ. अब इसका जो रिजल्ट आया ना वो क्या था, उसने जो नंबर सोचा था उसका 3 टाइम्स था. नाउ व्हाट इज द नंबर, वो हमें फाइंड आउट करना है, राइट? सो हम क्या लेंगे, लेट जो उसने नंबर सोचा, लेट द नंबर बी एक्स. ठीक है, जो उसने नंबर सोचा उससे हम क्या लेंगे, एक्स. नाउ सब्सट्रैक्ट 5 बाई 2 फ्रॉम इट. अब इसमें से हमें क्या करना है, 5 बाई 2 माइनस करना है by subtracting, क्या आएगा, subtracting 5 by 2, right? तो क्या आ जाएगा, x minus 5 by 2. अब ये आएगा, इसको क्या करना है, ये जो आया हमारा x minus 5 by 2 उसमें हमें 8 multiply करना है. अब क्या करेंगे, by multiplying 8, क्या आ जाएगा यहाँ पे, x माइनस 5 बाई 2, राइट? इसको जो रिजल्ट आया उसको हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया. द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ. मतलब उसने कौन सा नंबर सोचा था, x, उसे हमने क्या माना, x, उसका क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स. ये है, इसको सॉल्व करने पर हमारा जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या आएगा, 3x, राइट? तो क्या आ जाएगा हमारा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या आ जाएगा हमारा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन आ जाएगा हमारा 8x माइनस 5 बाई 2 इक्वल टू 3x. उसने जो नंबर सोचा था वो x है, उसका 3 टाइम्स हमारा रिजल्ट है, तो 3x हो जाएगा. अब हमें मैथमेटिकल स्टेटमेंट मिल गया, नाउ वी विल सॉल्व, राइट? तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 1 2 2 4 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x और 4 5 20, राइट, आ जाएगा यहाँ पे. और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका पहले क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, इसका क्या आ जाएगा एलसीएम, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है? तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस 5. उसके बाद हम इसको कट करेंगे, ठीक है? ये हमने पहले कट कर दिया था, उसके बाद हम कट करेंगे. तो क्या आ जाएगा, 2 1 2 2 4 8. अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो 4 2 8, 4 5 10 20, देन इक्वल टू 3x, राइट? अब हम क्या करेंगे, 8x यहाँ पे प्लस में इस तरफ आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस में. और ये आ जाएगा माइनस है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस में, राइट? ये हमने क्या किया, ट्रांसपोजिंग ऑफ किसका किया, 3x. 3x किस में है, लेफ्ट हैंड में, तो कहाँ लिया, 2 RHS, और ये कौन सा है, माइनस 20. 2 किस तरफ किया इसको, ये जो 3x है वो हमारा RHS है, उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिया, और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में उसको RHS को, मतलब ये माइनस 20 है उसको कहाँ लिया, RHS में लिया, राइट? अब क्या हो जाएगा, 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 5x इक्वल टू 20. नाउ हम क्या करेंगे यहाँ पे, x इक्वल टू 20/5. ये हमने क्या किया, ट्रांसपोजिंग किसका किया, ट्रांसपोजिंग ऑफ 5 टू किस तरफ लिया, राइट हैंड साइड पे, राइट? तो क्या आ जाएगा, 5 1 5 5 4 20, तो हमारा x क्या आ गया, 4. क्या आ जाएगा, सेकेंड, ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर नंबर. मतलब एक नंबर है उसका क्या है, 5 टाइम्स दूसरा पॉजिटिव नंबर है. इफ 21 इज एडेड बोथ द नंबर्स, हमें क्या करना है, उन दोनों नंबर्स को 21 ऐड करना है, देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर. ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, व्हाट आर द नंबर्स. अब हमें क्या करना है, इसमें
we have to find the numbers, right? A positive number is 5 times the another number. Let the other number be x. हम अदर नंबर क्या क्या ले लेते हैं, x, right? तभी तो हम उसका 5 times कर पाएंगे. So positive number will be क्या हो जाएगा, 5 times करना है, so 5x. Now क्या करेंगे, adding 21 to both the numbers. अब हम इन दोनों नंबर्स में क्या करेंगे, x plus 21 and क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा 5x plus 21, right? इन दोनों नंबर्स में हमने क्या करना है, 21 ऐड करना है. Now new number becomes twice the other new number. अब हम क्या करेंगे, 5x plus 21 equal to जो हमारा new number बनेगा वो क्या हो जाएगा, उसका twice. तो क्या हो जाएगा, x plus 21 का twice हो जाएगा, right? ये बन गया हमारा equation. Now we have mathematical statement and we will solve it, right? हम कैसे solve करेंगे, 5x plus 21 equals to, यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2 multiply by x, 2x. फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 multiply by 21, 2 ones are 2, 2 twos are 4, right? Now we will solve it. तो क्या आ जाएगा, 5x, यहाँ पे plus 2x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, minus 2x plus 21 equal to 42. ये हमने क्या किया, transposing of 2x, 2 किस तरफ किया हमने, LHS, right? 2x यहाँ पे है, उसे हमने LHS में ट्रांसफर किया. 5 minus 2 कितना हो जाएगा, 3x equal to 42. यहाँ पे प्लस में, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस. ये हमने क्या किया, ट्रांसपोजिंग ऑफ 21 टू किधर किया, RHS, right? We have transferred 21 to RHS, right? Up 3x equal to 2 minus 1, 1, 4 minus 2, 2. So, 3x equal to 21. So, x will be 21 divided by 3. ये हमने क्या किया? Transposing of 3, 2. किस तरफ किया? RHS. Now, 3 ones are 3. 3 sevens are 21. So, x will be 7. अब हमें क्या देखना है? ये हमें जो हमने एक नंबर गेस किया था, let the number be x, वो हमें मिल गया. अब हम अदर नंबर, पॉजिटिव नंबर है वो फाइंड आउट करेंगे. तो क्या आ जाएगा, अदर पॉजिटिव नंबर इज, अदर पॉजिटिव नंबर क्या है, 5x. सो क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय कितना दिया हुआ है हमारा x, 7. तो क्या आ जाएगा, 35. तो एक नंबर आ गया हमारा 7 और दूसरा आ गया हमारा 35.